21 परिक्रमा मार्ग में मैया हमें बहुत सारे लोगों से कल निकले है ना। बढ़िया बाबा जी, तुम अपन हाथ से निकालो इसी। सीता राम सीता। तो देख सकते हैं हम लोग आए थे नहाने के लिए और कुआं में देख सकते हैं हम लोग का बाल्टी का जो रस्सी था वो टूट गया और एक भाग इधर आ गया हाथ में राजन का और पूरा बाल्टी नीचे चल गया। अब कैसे क्या करेंगे, इसको साइड करते हैं। ये काम करो, इस बांस में उठाओ, उठाने की कोशिश करो तो। अरे नहीं नहीं नहीं, डूब जाए। तुमने बोला डूबेगा तो वो डूब ही गया, तुमको बोलना नहीं चाहिए था ना। बता, तुमको बोले थे। एक काम करो, वहाँ देखो छड़ दिख रहा ना, वहाँ पे पैर रखो, आ जाएगा क्या? देखो क्या, ध्यान से ना, इसको मैं पकड़ रहा हूँ। लो स्लिपरी है, सीमेंट क्योंकि ठहरा है ना। ध्यान से ना, उधर रस्सी पकड़ना आराम से ना। मेरा पैर बहुत ज्यादा फैल गया, अभी इतना मत फैलाना है। छड़ में रखना पैर, वो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा ना मेरा पैर। अच्छा, वो रस्सी को पकड़ खाली तू। बोला था यार इतना कम। अरे दीदू, रस्सी भी डूब गया। और थोड़ा नीचे जा, उठा दे गाइस कुछ। ऐसे भी परेशानी आती है हमें, हर सुबह स्ट्रगल करना पड़ता है नहाने के लिए। सामने मैया थी तो ठंडा लग रहा था आज ना, तो हम लोग सोचे कि कुआं में ही नहा लेते हैं। बट कुआं में नहाने आए तो मैया कुछ इस प्रकार से अपना रूप दिखाई। रस्सी टूट, सुन अब वो गमछे में ना, गमछे को रस्सी बना फिर। किस गमछी को? उस गमछी को, अपना तेरे पास है ना अभी? हाँ, या फिर ज्वाइंट होगा क्या, उधर से ज्वाइंट कर देते हैं इसको। किसको? इसे। हाँ महाराज, इसका दूसरा भाग आए रस्सी का जो टूट गया था। अरे ये तो कोई काम करने से होगा क्या, इससे तो नहीं होगा। मुझे गांव के पगडंडियों से बड़े हुए बंदे हैं, जो चीज नहीं होने का है उसको भी हम लोग कर देते हैं। इसको उधर ना टूटा है, इधर थोड़ी ना टूटा है। हाँ तो फिर वो उसका बन जाएगा क्या, दोबारा खुलेगा तो नहीं? देखना। अरे वाह, चलो काम चलाओ तो हो गया, अच्छा ही है। हाँ हाँ, पानी गर्म था, पानी भी आ रहा है। चलो ठीक है ठीक है, फिर जय जगदानंदी मैया, जय आनंद कंदे ब्रह्म हरि हर शंकर, देवा शिव हरि शंकर रुद्र पालंती। ओम जय जगदानंदी। तो अभी हम लोग डिंडोरी का एक आश्रम में रुके हुए थे, कुछ आश्रम का व्यू इस प्रकार से है और यहाँ से निकलेंगे अब आगे की ओर। नर्मदे हर बाबा, इस आश्रम में बाबा जो कि ये भी परिक्रमा कर रहे थे कुछ टाइम से रुके हुए थे बाबा। नर्मदे हर। और बाबा आप कब से यात्रा कर रहे हैं आप? हमें तो हो गया बेटा 14 साल। 14 साल से आप यात्रा चली रहे? 14 साल में तीसरा परिक्रमा चल रहा है मेरा। ओके, 14 साल में तीसरा परिक्रमा आई एम के काशी बनारस मणिकर्णी घाट के महेश मुनि अघोरी बाबा, मणिकर्णी घाट रत्नेश्वर का पुजारी जो शमशान घाटों में चिताओं में सोता था एक समय, वही बाबा यहाँ नर्मदा जी का परिक्रमा कर रहा है। मैं सन्यासी अघोरी हूँ जिसमें मिलता नहीं हूँ घाट में, शमशान में किसी नदी किनारे ही मिलता हूँ। बाकी तुम्हारी ना कोई माया से मतलब नहीं है, तुम्हारा जो भी माया हो अपनी माया देखो, नर्मदे की माया है। नर्मदे हर, नर्मदा सब सिद्धिदाय हुए, हमें कोई चीज की कमी नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदा का एक बार जाप करके देखो, भैरव सश्री सब सिद्धि सब पूर्ण पूरण। मुक्त होने के लिए आते हैं जो भी नर्मदा जी में आते, 3 साल 3 महीने 11 दिन का परिक्रमा करके सच्चे दिल से देखो, कोई भी मूर्ति देखो नर्मदा कैसी है। नर्मदा एक बॉर्डर भी है हर देश के लिए, नर्मदा एक शक्ति भी है। ये तो
नर्मदी हार हार। मैं भी अघोरी बाबा होकर परिक्रमा कर रहा हूँ, जिसको किसी देवी देवता से हार नहीं मानता हूँ कभी भी, है ना, न कोई हरा सकता है, शमशान के राजा होते हैं, है ना। परम नर्मदा की शरण में देखो, बजरंगबली, शंकर जी, विष्णु जी, जितने भी देवी देवता शक्तिदान मानते हो, सब शरण में आके तपस्या कर रहे हैं नर्मदा जी के, चेला बन गए नर्मदे हरे। हमारा भी सौभाग्य अच्छा था जो कि महाराज जी से दर्शन भी हो गया। नर्मदे हर सर, हमारे यहाँ पिताजी ने 21 परिक्रमा की, 21 सात परिक्रमा माता रानी की। अब माता जी ने, हाँ, और रामेश्वरम भाई की तरफ से जो मिलती है ना, जो भी माई का बुलावा होता है या माई का, हाँ हाँ, जो भी संदेश होता है, जो लोग इस बात को समझते हैं तो वो माई में ही रम जाते हैं। सरल, सबसे शांत स्वभाव है माता। बिल्कुल, परिक्रमा मार्ग में मैया हमें बहुत सारे लोगों से मिलाती है, उनमें से हमारे प्रभु जी हैं और मैया जी हैं, इनके साथ हमें कुछ वक्त बिताने को समय मिला, इनके घर में रुके हैं, कुछ चाय पानी प्रसाद वगैरह ग्रहण किए हैं, और इन्होंने हमें उपहार तौर में, आप देख सकते, श्रीमद् भगवत गीता ये हमें उपहार स्वरूप दे रहे हैं। नर्मदा सरकार की जय, नर्मदा सरकार की। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? और वैसे बता दो, जो हमारे प्रभु जी है ये सन 2000 में मैंने नर्मदा परिक्रमा, सन 2000 इसमें मैं आपने नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा पूरी की। मेरे पिताजी ने 21 परिक्रमा की, मेरी माता ने 7 परिक्रमा की। अब मैं अपनी फैमिली के साथ अगर 2 महीने बाद परिक्रमा में जाने वाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे की यात्रा के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदे। ओके, और इनकी एक बेटी भी है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गरिमा भारद्वाज है। ओके, और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ अभी, मैं एग्जाम के बाद जाऊँगी अब तक। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। और रहेंगे, हो गया। तो जो भी व्यक्ति माँ नर्मदा का परिक्रमा किए हुए रहते हैं, उनके अंदर सेवा भावना ऑटोमेटिकली जाग ही जाता है, क्योंकि माँ नर्मदा का परिक्रमा करने के दौरान जो चीज़ सीखने को मिलते हैं वो किसी जगत में आपको सीखने को नहीं मिलेंगे। तो उनके घर पे हम लोग काफ़ी देर तक रुके, करीबन 3 घंटा तक मैया ने काफ़ी पकवान बनाए थे हमारे लिए, हमने बाल भोग अच्छे से किया, आपने जिस प्रकार से देखा। फिर अभी हम डिंडोरी की ओर, डिंडोरी होते हुए फिर हम आगे की ओर प्रस्थान किए हैं, और आप देख सकते हैं ये डिंडोरी का खूबसूरत घाट है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है नमामि देवी नर्मदे, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत घाट बनाया हुआ है, और यहाँ पे खूब बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, स्नान करते हैं माँ नर्मदा में, और यहाँ पे सामने पे एक टेम्पल है, टेम्पल पे दर्शन करते हैं भगवान के, पता नहीं कौन सा टेम्पल है, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है काफ़ी यहाँ पे मंदिरें हैं। और वैसे भी माँ नर्मदा जिस ओर से गुजर रही हैं और आगे की ओर बढ़ रही हैं, उनके किनारे किनारे इतने सारे मंदिर आश्रम हमें कहीं देखने को नहीं मिले। कोई ऐसा नदी नहीं है जितना जितना कि इस नदी में उतना आश्रम मंदिरें हैं। और ये कुछ एक बाबा की ओर से हमें चाय, यूं कह सकते हैं चाय को माँ नर्मदा परिक्रमा में प्रसाद का रूप दिया गया है, प्रसाद बोला जाता है, तो अभी इसको पी के। और देख सकते हैं मैया जी की तस्वीर भी है,
मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई है मैया, कुछ इस प्रकार नज़ारा है। यात्रा के दौरान कुछ अनुभव ऐसे छोटे बड़े शहरों का भी होना चाहिए, इसीलिए अभी सड़क मार्ग होते हुए हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि माई जस्ट आप बोल सकते हैं 200 मीटर पे है माई, तो माई का आवाज़ भी आ रहा हमारी कानों तक और सड़क का भी कुछ आनंद ले रहे हैं। अनुभव हर एक चीज़ का होना चाहिए, अनुभव ही जीवन है, अनुभव चाहे किसी भी चीज़ का हो। नर्मदे तो कल हम डिंडोरी से श्री गोपालगिरी महाराज आश्रम, ये मैया तट के किनारे है, यहीं पे पहुंच गए थे तकरीबन। कल हम लोग 44 ही किलोमीटर चले थे और आज सुबह सुबह ही निकल दिए हैं। ये देख सकते हैं गौ माता, नर्मदे हर माई नर्मदे हर, और इसी मार्ग होते हुए हम लोग मैया के तट किनारे किनारे होते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अश्वगंधा इसकी खुशबू भी आ रही है हाथों में बहुत, जो नहीं हाथ में जो मैंने धो दिया, हाँ उसका खुशबू अलग ही है, ऐसे ना लगाते हैं। नर्मदे नर्मदे मैया नर्मदे। तो हम लोग अभी किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ मैया, कोई दिक्कत नहीं मैया, धूप तो दे ही रहा है, धीरे धीरे हल्के थोड़े धीरे। वैसे धूप निकलने के बाद ही चलते हैं, लेकिन महाराज जी बोले ना कि आज प्रयास करते हैं थोड़ा हल्की धूप में भी, तो वही प्रयास चल रहा है। हाँ नर्मदे हर मैया। वैसे तो भारत यात्रा के दौरान जितने भी ब्लॉग्स बनाए मैंने, काफ़ी ज़्यादा उसमें मैंने बोला है और काफ़ी ज़्यादा उसमें बोलने की मेरी इच्छा होती थी, बट ये यात्रा ना मेरे लिए स्पेशल है, पता नहीं इसमें बहुत कम बोलने का मन करता है, एकदम ऐसे लगता है कि शांत रहो महसूस करो। वाह, ये मेरे जीवन की स्पेशल यात्रा है, बहुत खास, इसको अच्छे से महसूस करते हुए माँ नर्मदा को एक अद्भुत अद्भुत लगता है इस यात्रा में। माँ नर्मदा का यात्रा अपने आप में एक अद्भुत है, ये आप तभी महसूस कर पाएंगे
या वे लोग महसूस कर पा रहे हैं जो माँ नर्मदा का परिक्रमा किए हुए हैं, चाहे जिस भी माध्यम से हो, वो अच्छे से फील कर पाएंगे, क्योंकि इसको महसूस करना ना वही लोग जान सकते। तो हम लोग चलते चलते जा रहे थे, हमें कुछ मैया मिल गए और मैया ने हमें बुला लिया और उन्होंने बोला कि भोग पालो। तो हम लोग आ गए हैं। वैसे बता दें मैया लोग कल परिक्रमा चालू कर दिए हैं, इन लोग कल ही इनका आरंभ हो गया, आज दूसरा दिन है। तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य है ना प्रभु जी, परिक्रमा वासियों के साथ दर्शन होना भी बड़ा शुभ होता है। नर्मदे हर मैया। कौन सा गांव से है मैया आप लोग? बरसिंगा। कल निकले है ना, बढ़िया। बाबा जी तुम अपन हाथ निकालो, इसी रसा को इसी में डाल दिए अभी, और ये गक्कड़ को निकाल लेना। ठीक है मैया। आधा आधा मैया पानी मिलेगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। सीता राम 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 सीता रा